Assalamu alaikum viewers. Today we are going to talk about fascia adherens and macula adherens. Fascia adherens are also type of anchoring or adhering junctions. Anchoring adherent junctions ki type mein pehle humne zonula adherens kiya. Ab hum fascia adherens kar rahe hain. Next we'll do macula adherens. Fascia adherens bilkul zonula adherens jo humne last lecture diya tha bilkul usi tarah hai. Bas inki sites inki jo jahan pe present hote hain wo different hain. They are cardiac muscle cells, smooth muscle cells, neuron cells or neuroglia cells. Baki same lecture jisne fascia adherens ke bare mein samajhna hai wo mera zonula adherens wala lecture le rahe hain. Next we'll move to macula adherens. Macula adherens are also known as desmosomes. So ye desmosomes, inko desmosome bhi kehte hain. Ye ek weld like a welding like ek spot like weld welding hui hoti hai do cells ke darmiyan, do cells ki plasma membrane ke darmiyan. और इसमें दोनों सेल्स की प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्यूज़ नहीं हुई होती. फ्यूज़ तो ज़ोनुला एथेरेंस में भी नहीं होती, लेकिन उसमें इंट्रा सेलर गैप 20 नैनोमीटर होता है और इसमें इंट्रा सेलर गैप 30 नैनोमीटर होता है. ठीक है, अब यहाँ पे ये जो इनके स्पॉट वेल्ड लाइक स्पॉट्स हैं वहाँ पर प्रेजेंट होंगे कैधेरेंस. और कैधेरेंस हमारे पास कौन कौन सी टाइप के होंगे, डेस्मोकोलेंस और डेस्मोग्लेंस. ठीक है, ये ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होंगी जो कैधेरेंस के पास, ये दोनों ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होंगी. अब ये ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन ये यहाँ पे आपस में दोनों सेल की आपस में फ्यूज़ होगी इंट्रा सेलर स्पेसिस में और सेल्स के अंदर ये प्रोजेक्ट होके अटैच हो रही होंगी प्लेक्स के साथ. प्लेक्स आर डिस्क शेप इलेक्ट्रॉन डेंस स्ट्रक्चर्स. ठीक है, ये हमारे पास दो प्लेक्स हैं. ठीक है, ये पूरा स्ट्रक्चर डेस्मोसोम का है. ठीक है, अब वो प्लेक्स की कंपोजिशन क्या है. प्लेक्स आर कंपोज्ड ऑफ डेस्मोप्लेकिंस और प्लेकोग्लोबिन्स. ठीक है, ये दो प्रोटीन्स हैं जिनसे ये हमारे पास प्लेक्स बन रहे हैं. ठीक है, अब ये जो कैधेरेंस हैं इनमें से इलेक्ट्रॉन बीम लाइन पास करिए, ये जो स्पेसेस छोड़ी हुई हैं मैंने. ठीक है, यहाँ से एक्चुअली इलेक्ट्रॉन डेंस बीम पास करिए. ठीक है, This is actually the linkage with the membrane and this is regulated by the presence of calcium ions. ठीक है, ये लिंकेज बना रही है दोनों ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स की, जो एक सेल की जो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन लेफ्ट साइड से आ रही हैं और जो दूसरी राइट साइड से आ रही हैं. ठीक है, और इस लिंकेज को कौन कंट्रोल कर रहा है, कैल्शियम आइंस कंट्रोल कर रहे हैं. ठीक है, अब इंट्रासेलुलर स्पेस पे अब हमने थर्ड हमारे पास पॉइंट आ जाएगा, ये इंटरमीडिएट फिलामेंट्स. तो इंटरमीडिएट फिलामेंट्स दो तरीके से प्रेजेंट हो सकते हैं. एक तो बस डायरेक्ट सेल के साइटोप्लाज्म में से आके प्लेक्स के अंदर इंसर्ट हो जाएं, या फिर एक साइड से प्लेक के अंदर इंसर्ट हो और एक हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर बना के दूसरी साइड से ये बाहर निकल आए. ठीक है, अब इसकी इंटरमीडिएट फिलामेंट्स की कंपोजिशन डेस्मोसोम्स में डेस्मोसोम्स एपिथेलियल सेल्स में अगर प्रेजेंट होंगे तो उसमें इंटरमीडिएट फिलामेंट्स कैरेटिन टाइप के होंगे, और अगर ये डेस्मोसोम्स कार्डियक सेल्स में प्रेजेंट होंगे तो उसमें इंटरमीडिएट फिलामेंट डेस्मिन टाइप के होंगे. ठीक है, ये बात आ जाती है. सेकेंड, हमने इन डेस्मोसोम्स की प्रेजेंस देखनी कि कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, तो वही कार्डियक मसल सेल्स में इनकी प्रेजेंस आ जाती है और एपिथीलियल सेल्स में आ जाती है. एपिथीलियल सेल्स को फर्दर हम दो में डिवाइड करते हैं, अगर वो सिंगल लेयर्ड होंगे तो सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन की लेटरल साइड पर प्रेजेंट होंगे, और अगर वो मल्टी लेयर्ड एपिथीलियल सेल्स होंगे तो ये थ्रू आउट प्लाज्मा मेम्ब्रेन डेस्मोसोम्स हमारे पास प्रेजेंट होंगे. सो दिस वॉज ऑल फॉर टूडेज लेक्चर, होप यू गेट गॉट इट. फॉर एनी क्यूरीज यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स. थैंक यू.